न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। विदिशा कोतवाली पुलिस ने 17 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को भोपाल निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के बदले 17 लाख की राशि नहीं देने पर भोपाल के एक एनजीओ के चेयरमैन को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। बताया गया कि मोहित सोनकर ने भोपाल निवासी शुभम मालवीय की शुभम नारी शक्ति महिला कल्याण समिति भोपाल से निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए अनुबंध किया था, जिसके तहत 200 बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग कौशल विकास के जरिए दी जानी थी। मोहित के मुताबिक उसे इस कार्य के लिए 17 लाख रुपए दिए जाने थे। मोहित ने अपनी ओर से अपने खर्चे पर 200 बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग कराई, लेकिन उन्हें अब तक शुभम मालवीय या उसकी संस्थान की ओर से एक रुपए भी नहीं मिला। उसका कहना है कि शुभम नारी शक्ति महिला कल्याण समिति फाउंडेशन से अनुबंध किया था। इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों कोतवाली थाने में आवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस ने 420E का मामला दर्ज किया और मंगलवार को शुभम मालवीय को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। मेरा नाम मोहित सोनकर है, मैं विदिशा निवासी हूँ। मैंने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चालू करी थी, जो कि मेरा एग्रीमेंट शुभम नारी शक्ति महिला कल्याण समिति से था। मैंने 200 बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया था शुभम नारी शक्ति से, जो कि मैंने विदिशा में ट्रेनिंग दी है बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया मैंने, उनसे कोई फीस नहीं ली। और जो मैंने जो 3 लाख का चेक दिया था फर्स्ट स्टूडेंट के हिसाब से 1500 फीस हो रही है, ऐसे करके 200 बच्चों की 3 लाख रुपए चेक की फीस हो रही है, तो मैंने इसको पेड कराया था इनके खाते में मेरे अकाउंट से, सोनकर एंटरप्राइजेस से। तो इसी प्रकार से मेरे एक वर्क ऑर्डर दिया इन्होंने मुझे, मैंने उस लेवल से, उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैंने काम भी किया, पूरा काम करके मैंने इनको कम्प्लीट करके दिया, पूरी ट्रेनिंग कराई, लीगल ट्रेनिंग कराई, टीचर अपॉइंट किए, बहुत अच्छा बहुत एक एग्जाम भी हुआ था शुभम नारी शक्ति महिला कल्याण समिति भोपाल से, जो कि उसके चेयरमैन है शुभम मालवीय। किसके लिए करा रहे थे? स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी थी। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड? नहीं नहीं, CSR फंड था, ये बताते थे कि मेरा भास्कर फाउंडेशन से मेरा एग्रीमेंट है, उसके तहत इन्होंने मुझे दिया था कि आप पैसों की बिल्कुल चिंता करें, आप तो कल काम करके नहीं, मुझे काम आपका अच्छा होना चाहिए बस। तो मैंने काम में पूरी ताकत लगाई, पूरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई। कितना पैसा लेना है मुझे इनसे? 3 लाख रुपये रिफंडेबल थे, जो कि फीस दी थी वो भी रिफंडेबल थी, बाकी 14 लाख पेमेंट बन रहा था ना, वो 3 लाख मिली ना 14 लाख मिले मुझे। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी भोपाल के एनजीओ संचालक शुभम मालवीय का कहना है, यहाँ पर हमारे से जिनने ये झूठी FIR दर्ज कराई है, ठीक है, ये एक केस कोर्ट में चल रहा है, यहाँ के सेशन कोर्ट में 138 के धारा के तहत ये कोर्ट में चल रहा है केस। उसके बाद भी यहाँ के लोकल वेंडर्स ने मिलके झूठी FIR पुलिस को आगे रख के झूठी FIR कराई, झूठे दस्तावेज कराए। माननीय मोहित सोनकर, उनके पिताजी राकेश सोनकर, जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इनने कई बार भोपाल आके भी धमकाने की कोशिश की, जब हमने मना किया कि हमारा पैसा हम आपको कैसे दें, जब हमने आपका जो संपूर्ण राशि है वो भास्कर इंटरप्राइजेस के खाते में जमा की है, जिसके हमारे पास पूरे एविडेंस है और पिपलानी पुलिस के पास वो सारे साक्ष्य जमा है और FIR की कॉपी भी है। अब उसके बाद भी एक केस लगाने के बाद भी इनको राहत मिल रही, ये कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो चेक दिए गए इनसे पैसा ये मेरे से कैसे लें। तो इसके बाद इनने पुलिस में आके आवेदन देकर बिना उसके FIR दर्ज करा दी, प्रिंसिपल कंपनी ने फ्रॉड किया मेरे को आगे करके, मेरे साथ मेरा यूज करो और मुझे धोखा दिया। जेल में लगभग कितने दिन रहे थे नागदा में? सर वो सारी जानकारी तो आप एक काम करिए, गूगल कर लीजिए तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। आप, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझसे इधर की चर्चा कीजिए, आप सर से चर्चा कीजिए। प्रोजेक्ट आता है ना भैया, तो उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट दिए थे जब काम? ट्रेनिंग डिफाइन नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट देती है, उसके तहत आप कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा था? भास्कर में, भास्कर इंटरप्राइजेस जयपुर के, जिनके प्रोपराइटर है गुंजन अग्रवाल, जिन्हें पूरा स्कैम किया हुआ। भास्कर ने कहाँ से उठाया था ये प्रोजेक्ट? यही तो प्रॉब्लम थी, इसी के तहत हमने FIR दर्ज करी, 406 की धारा के तहत रिकवरी शूट में दर्ज हुई FIR। कोतवाली TI जयपाल इनावाती का कहना था कि मोहित सोनकर की शिकायत पर आरोपी शुभम मालवीय पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, मामले की जांच की जा रही है। एक फरियादी मोहित सोनकर है, जिनके एक NGO है, उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि 200 बच्चों को का शिक्षण देना है, उसके एवज में इनको 17 लाख रुपए इनको देना था। जो मोहित सोनकर द्वारा यहाँ पर 200 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, इनके द्वारा ना ही कोई प्रमाण पत्र जारी दिया गया और ना ही जो ट्रेनिंग करवाए थे उसके पैसा दिया गया। इसके कारण रिपोर्ट पर 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
और अभी भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम में विचना की जा रही है। हाँ, पूर्व में भी एक शायद नागदा में एक प्रकरण कायम है इसके विरुद्ध, उसमें भी ये जमानत में है। सत्रह लाख के आसपास। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।